फ्रेंड्स, गर्मियों में प्लांट्स को हरा भरा रखना और उनसे फूल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम सही देखभाल करते हैं, उसमें सही फर्टिलाइज़र देते हैं, प्लांट की कंडीशन के हिसाब से पोषक तत्वों से भरपूर उसको खाद दिया जाता है, तो प्लांट गर्मियों में भी अच्छी फ्लोरिंग करता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आज के वीडियो में मैं ऐसा ही एक फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी। इस फर्टिलाइज़र की मदद से आप अपने छोटे से प्लांट में भी बहुत सारे फूल पा सकते हैं और गर्मियों भर प्लांट आपका ग्रोथ करता रहेगा, किसी तरह से पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है वो जैविक फर्टिलाइज़र है, पोषक तत्वों से भरपूर है और सभी पौधों के लिए यूज़फुल है। किसी तरह का इसका प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है यदि इसे सही तरीके से बनाया जाए और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यदि आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करें, पौधा एकदम हरा भरा घना रहेगा और उसकी पत्तियाँ भी पीली नहीं पड़ेंगी। ये फर्टिलाइज़र आप ख़ासतौर पर उन पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें अभी कलियाँ बनना शुरू हुई हैं और उनमें फूल आने लगे हैं। यदि आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कलियाँ बनेंगी और ये कलियाँ ड्रॉप नहीं होंगी, फूल अच्छी तरह से बन पाएंगे। ये देखिए, आप मोगरा प्लांट देख रहे हैं, समर फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत सारे फूल लगातार देता है यदि इसकी सही केयर की जाए तो। तो इस प्लांट में आप इस फर्टिलाइज़र को डालें, आपको लगातार ये प्लांट फूल देगा। इस फर्टिलाइज़र में मैंने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है, दोनों ही चीज़ें पोषक तत्वों से भरपूर हैं। तो इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी का पीएच एसिडिक हो जाता है और इसमें हमारे गुलाब, गुड़हल, मोगरा जैसे प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी बनी रहती है। दूसरा ज़रूरी पोषक तत्व इसमें पोटेशियम है। पोटेशियम फूल लाने में, कलियाँ बनाने में मदद करता है, जड़ों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक जार का। आपको एक खाली जार लेना है और उसमें आपको यूज़ करना है ये केले के छिलके। केले के छिलके हम सभी जानते हैं और इसका फर्टिलाइज़र हम यूज़ भी करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ उससे प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और प्लांट की सॉइल भी उपजाऊ रहेगी। तो मैंने दो केले के छिलके का इस्तेमाल किया है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों से भरपूर है। आप इस तरह से सूखे हुए केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर फ्रेश केले के छिलके भी ले सकते हैं। तो मैंने फ्रेश केले के छिलके लिए हैं, इनको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा और इस तरह से इस जार में डाल देना है। फ्रेंड्स, यदि आप सूखे हुए केले के छिलके का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए दो दिन के लिए पानी में भिगा के रखेंगे, लेकिन मैं फ्रेश केले के छिलके का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैं इसे एक दिन के लिए रखूँगी। इसमें अब जो दूसरी चीज़ डालनी है वो हम सभी के घर में उपलब्ध रहती है, वो है ये कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी से प्लांट की सॉइल एसिडिक हो जाती है जिससे प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होती है, लेकिन कॉफ़ी पाउडर का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मैं सिर्फ आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर यूज़ करूँगी। तो कॉफ़ी पाउडर डालने के पहले मैं इसमें पानी भरेंगी। एक लीटर पानी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं डालूँगी ये आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है और इसको हमें एक दिन के लिए रखना होगा। एक दिन बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश केले का छिलका लिया है इसलिए इसे ज़्यादा दिन नहीं रखना है, वरना प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है। यदि आप सूखे हुए केले के छिलके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे 2 से 3 दिन रख सकते हैं। एक दिन बाद फ्रेंड्स देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। केले के छिलके पानी में अच्छी तरह से गल गए हैं, इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका हमें 3 गुना पानी मिलाना होगा। और ये फर्टिलाइज़र आप तेज़ धूप में यूज़ ना करें, सुबह या शाम के समय इसको अपने प्लांट की सॉइल में डालें। तो प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से इसका यूज़ करें। महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।